फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की मारक क्षमता देखने के लिए आज पोखरण में होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महिला सहायता समूह लखपति दीदी सम्मेलन में भी होंगी शामिल। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन। पहले दिन पीएम मोदी की मौजूदगी में आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी रणनीति पर हुई चर्चा। छह जनवरी को लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर पहुंचेगा भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। अगले 5 साल तक सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में मिल सकेगी जानकारी। भारतीय यात्रियों को लेकर जा रहे विमान को फ्रांस में रोकने पर 2 लोग हिरासत में। भारत सरकार ने कहा दूतावास की टीम मौके पर पहुंची, यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। संयुक्त राष्ट्र का गाजा को और अधिक सहायता देने पर जोर, तो वहीं इसराइल ने गाजा में अपने जमीनी अभियान बढ़ाने के दिए संकेत। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में भारतीय महिला क्रिकेट टीम दूसरे दिन 7 विकेट पर 376 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर बनाई 157 रन की बढ़त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में अहम बैठक हो रही है। पहले दिन की बैठक में पीएम मोदी, राज्यों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सभी मोर्चे के अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये बीजेपी की पहली बैठक है। इस बैठक में चुनावी जीत के साथ साथ अब अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियां पर भी बातचीत हो रही है। पीएम मोदी पहले ही विश्वास जता चुके हैं कि तीसरी बार भी केंद्र में बीजेपी की सरकार और भी बड़े बहुमत से बनेगी। कहा जा रहा है कि इस 2 दिन की बैठक में कार्यकर्ता ये मंत्र लेकर निकलेंगे कि लोकसभा चुनाव में पहले केंद्र सरकार की योजना प्रचार प्रसार बेहतर हो, लोगों को पता चले कि मोदी सरकार देश में किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके अलावा चुनाव में संगठन की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। काफी महत्वपूर्ण ये जो बैठक है, खासतौर से अगर बात की जाए इस बारे में। और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से आज दूसरा दिन है इस बैठक का, क्या कुछ खास रहा पहले दिन की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार 3 राज्यों में जो जीत मिली है ये भी, और उसके बाद अब जो 2024 का लक्ष्य है, क्या उसको लेकर मंथन हुआ है? देखिए, पहले दिन की बात करें अगर मुकुल, तो पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने इस बैठक की सदारत की। और कहीं ना कहीं जो पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, जो राज्यों के तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन मंत्री, उन तमाम लोगों ने इस बैठक में बैठक के हिस्सा बने। और ये उम्मीद की जा रही है कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। और इसके लिए यह जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप विजुअल से भी देख पा रहे होंगे कि तमाम राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर बैठकों और प्रवास के जरिए अपने कार्यक्रमों से जनता के बीच बने रहने की कोशिश करती है। और पीएम मोदी का ये खासा फोकस भी रहता है कि जो सत्ता की जो अच्छी बातें हैं उन्हें संगठन के जरिए जनता तक पहुंचाई जाए। और इसके लिए प्रधानमंत्री तमाम तरह के निर्देश और नसीहत जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को समय समय पर देते रहते हैं। और कल की बैठक भी इसी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई और देर रात तक चली। आज ये बैठक जो है उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे के बाद शुरू होगी और शाम तक इस बैठक को खत्म कर दिया जाएगा। शाम में राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक जो है वह भी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वह बैठक भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का हिस्सा ही होगी, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव भी राष्ट्रीय पदाधिकारी ही होते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि दिन भर
आज किन किन बिंदुओं पर चर्चा होती है और क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है, इस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। मुकुल, बहरहाल बैठक जो है वो 10 बजे के बाद शुरू होने के आसार हैं और शाम तक चलने के आसार हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस अपडेट के लिए। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे बाकी अपडेट्स के लिए भी, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आता है। लेकिन आज दूसरा दिन इस बैठक का जिसमें लगातार चर्चा की जा रही कि कैसे ना सिर्फ 2024 के लोकसभा जो चुनाव है उसमें और मजबूत तरीके से बीजेपी जो है स्थिति बनाते हुए नजर आ सकती है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 16 सदस्यों की एक समिति बनाई है जो चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करेगी। इस समिति का अध्यक्ष कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता टीएस सिंह देव को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। बाकी 14 सदस्यों में प्रियंका गांधी वाड्रा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर, खई घंगम, गौरव गगोई और प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, के राजू, ओमकार सिंह मरकाम, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवाणी और गुरदीप सप्पल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के दौरे पर जैसलमेर में होंगी। यहां उनका बेहद विशेष कार्यक्रम है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में राष्ट्रपति मौजूद होंगी और इस दौरान वो सेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन देखेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति महिला सहायता समूह की लखपति दीदी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ भी किस तरीके से मिल रहा है इस पर भी जो जानकारी है वो दी जाएगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के दौरे के दौरान कई ऐसे ही कार्यक्रमों में भाग लिया था। देश में जनजातीय विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस दिशा में काम करना पहले ही शुरू कर दिया है। इन विद्यालयों में 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। देश भर में एकलव्य मॉडल विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन दिए जाएंगे। इस समय देश भर में करीब 200 ऐसे विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आतंकियों ने हमले में यूडी निर्मित M4 राइफलों का इस्तेमाल किया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आतंकी हमले के संबंध में पूछताछ के लिए लगभग एक दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर इलाके की घेराबंदी की गई है। हवाई निगरानी के साथ डॉग स्क्वाड भी लगाया गया है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। और इस पर और जानकारी के लिए जम्मू से हमारे संवाददाता रमेश रैना जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से ना सिर्फ जो जांच है वो लगातार की जा रही है बल्कि जो कुछ संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। हाँ जी हाँ, जैसे कि परसों जो अटैक हुआ जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं, उसके तुरंत बाद पूरे इलाके की वो घेराबंदी कर दी गई है। और कल सुबह से जो हेलीकॉप्टर है वो एरियल मॉनिटरिंग हो रही है। हेलीकॉप्टर से सिर्फ डॉग्स प्रेस किए गए और एडिशनल ट्रूप्स भी वहां पर डिप्लॉय किए गए। मतलब बड़े बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। बिल्कुल, आपको बताऊं जो एरिया है, जो इलाका है, काफी एक मतलब घना जंगल है, पहाड़ी, और वहाँ पर नेचुरल केव्स हैं बहुत बने हुए हैं। और उसमें क्या है, आतंकवादी जो है उनका फायदा उठा रहे हैं और जो केव्स है उनमें छुपे रहते हैं जी। और यहाँ ये बताऊं, ये जो अटैक हुआ है, हालांकि ये जो इस साल ये मतलब बड़ा चौथा अटैक ऐसा है जिसमें हमारे तकरीबन 20 जवान और 2 कैप्टन अभी तक शहीद हो चुके हैं। ये काफी दुर्गम इलाका है। हम सेना जो सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से तलाशी अभियान कर रहे हैं। कल वहाँ पर हमारे 16 कोर के GOC है संदीप जैन, वो भी वहाँ चले गए। DGP है, RS वैन, IGP जम्मू, बाकी जितने भी मतलब उच्च अधिकारी वो वहाँ पहुंचे। देयर कैंपिंग वहाँ पर पुंछ में ठहरे हुए और इस ये जो तलाशी अभियान है उसके बारे में जो भी मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं वो दे रहे हैं वहाँ पर। अभी देयर कैंपिंग भी है वहाँ पे।
कुछ जी जो लोकल सपोर्ट जो कहा जाता है जो मतलब उनको भी एक दर्जन के करीब उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। देखना है कि मतलब इस ये जो आतंकवादी है ये उनको कोई कहीं सपोर्ट तो नहीं मिला, लोकल कोई सपोर्ट नहीं मिला और उनकी कैसे दर पकड़ की जाए। जी मुकुल जी रमेश, और जिस तरीके से आप बता रहे थे क्योंकि काफ़ी दुर्गम इलाका है, घने पेड़ जो हैं वो वहाँ पर हैं और ख़ासतौर से सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं इस तरह की जो घटनाएं वो ज़्यादा सामने आती हैं। फिलहाल किस तरीके से जो तलाशी अभियान है उसमें और किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए मैंने जो कहा आपका जो इलाका जो है एक सीमावर्ती इलाका है, दोनों जो रजौरी पुंछ हमारा सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, ये घने जंगल है, पहाड़ी इलाका है और ये जो विंटर में जो बर्फ पड़ने से पहले क्या होता है कि पाकिस्तान की हमेशा ही कोशिश होती है कि वो अपने कुछ ट्रेंड आतंकवादी यहाँ घुसपैठ करा ले। हालांकि हमारे जो सीमा पर सेना बड़ी चौकस होती है लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह से वो अंदर घुस ही जाते हैं। और ये पिछले जब से देखिए जब से ये आतंकवाद शुरू हुआ किसी में पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह वो यहाँ पर कुछ ऐसी की घटनाएं अंजाम दे दे, वो तो इसकी कोशिश होती रही लेकिन हमारे हमारे जो जवान है वो भी चौकस है। लेकिन ये जो इलाका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही दुर्गम इलाका है, उसमें मैंने कहा ना जिसमें नेचुरल केव्स बने हुए, अगर कोई देखिए इन्फिल्ट्रेट कर लेता है उसको आसानी से मतलब उसको उसको उसके लिए जैसे नेचुरल कुछ हाइड आउट जैसे बने होते हैं वो वहां पर उसमें छुप जाता है और उनमें उनमें वहां तक जाना पहाड़ी इलाके जैसे मतलब अभी जैसे परसों अटैक हुआ है सेना के वाहन सड़क पे नीचे से जा रहे हैं और रास्ता भी ठीक नहीं था और जो आतंकवादी थे वो पहाड़ी पे मतलब थे और वहां से वो आराम से वो देख सकते थे कि मतलब सेना की मूवमेंट उनको देख सकते थे और वहां से उन्होंने हिल टॉप से उन्होंने अटैक किया था मतलब सेना की व्हीकल्स पे। हालांकि काफी दुर्गम है लेकिन ये कहने के बाद में ये कहूंगा कि हमारे सेना के जवान काफी चौक चौबंद है और इनको जिस तरह से तलाशी अभियान शुरू किया गया इन आतंकवादियों का सफाया निश्चित है। बिल्कुल जल्द ही ये भी यहाँ बता दूं अभी कुछ पिछले 1-2 साल से क्या हो रहा है, ये जो इलाका है यहाँ पर यहाँ से सेना की एक टुकड़ी थी राष्ट्र राइफल्स की टुकड़ी थी उसको यहाँ से उन्होंने मूव किया था लद्दाख की तरफ किया था मूव क्योंकि लद्दाख में चाइना ने जो 2020 में जो उससे आपने वहाँ तेवर सख्त किया था उनका 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 मुकाबला करने के लिए वन टू वन मुकाबला करने के लिए उन्होंने सेना ने यहाँ से एक अपना एक एक राष्ट्र राइफल्स के एक बटालियन यहाँ से मूव किया था लद्दाख की तरफ। अब एक नेक्सस चल रहा है पाकिस्तान और सेना के बीच में, ये चल रहा है कि चाइना चाहता है कि जो लद्दाख में भारतीय सेना जो अपना दबदबा बनाया हुआ है उसको भारत को कुछ परेशान करने के लिए क्या है कि वो उसको मजबूर किया जाए कि पाकिस्तान भारत अपनी सेना वहां से थोड़ी कम कर ले, चाइना से कम करे और उसको इस तरह से डिप्लॉय कर ले। और यहां से पाकिस्तान क्या कर रहा है पिछले 2-3 साल से उसकी ये कोशिश उसके अपने रेगुलर ट्रेन इवन अभी जो हमने कुछ आतंकवादी मारे भी उसमें ये देखा गया था कि उसमें कुछ पाकिस्तान के वो ट्रेंड आर्मी पर्सनल भी थे। जी बिल्कुल, और कोशिश लगातार यही है कि किस तरीके से ना सिर्फ जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनका सफाया हो बल्कि आतंकवाद को हम जड़ से खत्म कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ये घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है, वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है, टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठ कर देखते हैं। आप ही देखो पागल। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे, भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए, एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए, सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand, disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके criterias meet out होते हैं तो retirement corpus को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो simplest mode में है वो और कोई available नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है।
hear gravity in physics, don't call the shots. And sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people. For whom excellence is not a job, but a way of being. Be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए बात करते हैं आदित्य L1 की। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 के लिए 6 जनवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस दिन ये अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 कहा जा रहा है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वो स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद है। एक तरीके से इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है। लैग्रेंजियन पॉइंट पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के बाद आदित्य अगले 5 साल तक सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। आदित्य L1 will enter L1 point, Lagrangian point on 6th. So that is what is expected. Exact time will be announced by appropriate time. 6th of January. The Aditya L1 was launched sometime back, but it had a long journey. Almost 3 times the distance from Earth to Moon it has to travel. So it has almost reaching that point. We have done the final trimming to reach the L1 point. But when it reaches L1 point, we have to fire the engine once again, give some speed reduction so that it doesn't go further. So it will go to that point, and then once it reaches that point, it will rotate around the point. And it will be trapped in that L1 point, Lagrangian point L1, which is a point between Earth and Sun, which is where the gravities are cancelling each other. इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि अमृतकाल के दौरान भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा। कल अहमदाबाद के विज्ञान नगर में आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन में युवा वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक अगले 25 वर्षों में चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने वैज्ञानिक विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और क्षमता का उपयोग करते हुए भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में योगदान करने का आह्वान किया। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योग के बीच समन्वय और आदान प्रदान यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि शोध का उपयोग समाज के कल्याण के लिए होता है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस में एक विमान को रोके जाने की खबर है जिस विमान में 303 यात्री सवार थे जिनमें से अधिकतर भारतीय मौजूद हैं। रोमानियाई चार्टर कंपनी का यह विमान गुरुवार को दुबई से रवाना हुआ था। मामले में पूछताछ के लिए 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिए जाने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूतावास की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और काउंसलर एक्सेस हासिल कर लिया गया है। हम स्थिति की जाँच कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अब बात करते हैं ठंड के प्रकोप की भी। जहां पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदान में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। दिल्ली NCR में आज सुबह की शुरुआत कपकपा देने वाली ठंड से हुई। आज सुबह से ही शहर के कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहा। रविवार को भी सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है। दिल्ली में तापमान का स्तर गिरने के कारण लोग अलाव का सहारा लेते भी नजर आए। वहीं तापमान गिरने के कारण लोग रैन बसेरे में शरण ले रहे हैं। दिल्ली NCR में केंद्र की ओर से वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 3 लागू कर दिया गया है। इसके बाद गैर जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लग गया है। एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बढ़ रहा है। और इसके साथ ही बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कब है 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं।
सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान। एनी टाइम एनी वेयर सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींच कर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज पर, और आइए बुलेटिन में बात करते हैं काशी तमिल संगम की। काशी तमिल संगम चरण के प्रतिनिधि मंडल समूह गोदावरी काशी के विभिन्न स्थानों का दौरा करने के साथ ही उनकी संस्कृति के बारे में जान रहे हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण स्थानों में हनुमान घाट का नाम भी शामिल है। हनुमान घाट की खास बात यह है कि यहाँ काफ़ी संख्या में तमिल परिवार रहते हैं। इनमें से एक परिवार की सदस्य पद्मश्री गणेश ने बताया कि उनका परिवार लगातार काशी पहुँचे तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान करता आ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। वाराणसी का यह मोहल्ला है हनुमान घाट, जो लघु दक्षिण भारतीय क्षेत्र कहा जाता है। तमिलनाडु से आए लोगों के लगभग 100 घर होंगे, 100 परिवार रहते हैं। खासियत यह है कि ये लोग जुड़े हुए हैं अपने लोगों से, लगातार इन लोगों के यहाँ तीर्थयात्री आते हैं। और उससे भी खास बात यह कि इनके घरों में आपको शिव का मंदिर मिलेगा, जो हर घर में लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना है। ऐसी ही एक गृह स्वामिनी हैं पद्मश्री गणेश जी, जिनसे हम वार्ता करेंगे कि किस तरह से जो काशी तमिल संगमम चल रहा है उसको कैसे कनेक्ट कर रहा है। इधर जो है हमारे परिवार इधर आके 3 पीढ़ियों से इधर रहते हैं, तीर्थ यात्रा जो भी करते हैं 3 पीढ़ियों से यही काम करते हैं। इधर आके काशी जो है पुण्य क्षेत्र माना जाता है हिंदुओं के लिए, और इधर जो है हनुमान घाट में 100 परिवारों हैं, और उस इधर भारतीयार का आवास भी है, सुब्रमण्य भारती जी के आवास भी है, और कांची कामकोटेश्वर मंदिर है, और कांची मठ भी है। यही खासियत है इधर। और चेन्नई में या तो तमिलनाडु में कावेरी बहती है, इधर गंगा जी बहती है। हर एक जिधर भी तट होता है उधर ही कल्चर का उद्घाटन होता है। कांचीपुरम करके उधर सिल्क साड़ी फेमस है, ऐसे ही बनारसी सिल्क साड़ी फेमस है। सर्वालंकार युक्ताम सततम अभेताम भक्त नम्राम भवानीम, अम्बे जो ललिता देवी है कैसे सजा के रखती है, ऐसे ही बिंदी लगाते हैं, फूल लगाते हैं, बाल लंबा रखते हैं, साड़ी पहनते हैं, अम्बे जैसे रहते हैं तमिलनाडु के लोग। जो भी आते हैं सबको अच्छे से, घर पे आते हुए लोग को अच्छे से देखभाल करते हैं, ये सब कल्चर है, यही इधर भी फॉलो करते हैं। हनुमानगढ़ के बनारस के लोगों
और सब इधर के परिवार लोगों ऐसे ही चीज़ें करते हैं, हमको अच्छा लगता है इधर देख के। यहाँ पर अगर गंगा बहती है तो वहाँ पर कावेरी, कितना संगम है संस्कृति का, राष्ट्र प्रेम का, गायन का और भाषाओं का भी। बार बार मोदी जी का जिक्र कर रही हैं क्योंकि उनके द्वारा ही, उनकी ही सोच जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की है, उसके तहत काशी तमिल संगमम में लोग आ रहे हैं। इनके तो पूर्वज पहले आ गए थे और पूर्वज लगातार तीर्थयात्रा पर आते रहे हैं, इनके यहाँ रुकते हैं और जो वेद पुराण का पाठ होता है लगातार इनके घर में होता रहता है। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, हनुमान घाट, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए देश के अलग अलग शहरों में तापमान की स्थिति क्या रहेगी। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।